ॐ एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रुते स्मृते पुराणाना मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। पूरा सृष्टि के अधिष्ठान और लीला के लिए स्थान की अधिष्ठान रूप जगत पिता जगन्नाथ के चरणों में मैं भक्तिपूर्ण साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ और उन्हीं के विभूति स्वरूप सभी विद्वान महात्मा संत भक्तों को सभी को मैं सश्रद्ध ओम नमो नारायण ज्ञापन करता हूँ। जब कभी भी हम लोग शंकराचार्य के पीठ में पारायण की प्रसंग आता है तो ब्रह्मसूत्र को लेकर ही चलते हैं। तो इस बार भी हमारे विषय वस्तु ब्रह्मसूत्र है। अभी हम कल तो कुट्टी स्वामी जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, अब मैं प्रश्न पूछूंगा। इसके बाहर होते तो मैं नहीं पूछता, बोला बाहर जाने से भूल सकता है, यहाँ अंदर बैठने से याद करना पड़ेगा, है कि नहीं। पहला प्रश्न है, ये ब्रह्मसूत्र में किसके बारे में वर्णन है? शिव कृष्ण काली दुर्गा कहीं कहीं देव विष्णु ब्रह्मा कई है ना, तो यहाँ पे किसके बारे में वर्णन है? अपना वर्णन है, अपने स्वरूप का जो व्यापक तत्व है। उनके कल बताया था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथो अतो, इनको तो अलग अलग भाष्यकारों ने किया, परंतु ब्रह्म के बारे में वर्णन है जो व्यापक तत्व संग है। अच्छी बात है, तो यहाँ तो पास हो गए। इस ग्रंथ में कितने अध्याय है आप लोग नहीं बोलना, आप लोग तो जानते हैं, चार अध्याय है। हाँ, तो पहला अध्याय का क्या नाम है? समन्वय अध्याय। कल बताया था ना समन्वय अधिकरण के आधार पर इसमें क्या दिखाया गया है? श्रुतियों में अलग अलग स्थान में वर्ण ब्रह्म को समझाने के लिए जो अलग अलग शब्दों प्रयोग किया गया है उन सभी पदों की समन्वय ब्रह्म में ही होता है। जैसे कहीं पे प्राण शब्दों के द्वारा कहा, कहीं पे आकाश शब्दों के द्वारा कहा, कहीं पे सत शब्दों के द्वारा कहा, कहीं पे आत्मा शब्दों के द्वारा कहा, कहीं पे ब्रह्म शब्द भी प्रयोग किया। तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग शब्दों प्रयोग होने पर भी इन सभी का समन्वय ब्रह्म में होता है। कैसे होता है, क्या वहाँ पे मापदंड है कि इसको ब्रह्म के बारे में कहा गया है? ब्रह्म का जो लक्षण कहा गया है वहाँ मना जन्मादस्यजत, जहाँ कहें भी आकाशात वसर्वाणि भूतानि समुत्थन्ति प्राणात्, इसलिए आकाश से प्राण से सत से जहाँ कहें भी है ये उनका चिन्ह है, ये तटस्थ लक्षण है। क्या लक्षण है? जहाँ कहीं भी किसी शब्द को प्रयोग किया परंतु उसके साथ उस शब्द को समझाने के लिए सृष्टि स्थिति लय किसी एक के बारे में कथन किया
तो उसके सहारे इसको लिंग प्रमाण बोलते हैं, कहीं श्रुति प्रमाण सीधा है, क्योंकि हमारे सामने बताए थे कुछ विपक्षी भी है, मतलब अपने अपने पक्ष को रखने के लिए यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ पे ये बात कहा गया है। तो इस तत्व को निर्णय करने के लिए पूर्व मीमांसा दर्शन के एक सूत्र है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाय पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेदांती ने नहीं बनाया, पूर्व मीमांसा दर्शन वाले ने बनाया। आप श्रुति प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं, मतलब श्रुति वाक्य के आधार पर बोल रहे हैं, अथवा लिंगम निरपेक्ष रव श्रुति लिंगम सामर्थ्यम श्रुति लिंग वाक्य समविव्यहार वाक्य प्रकरणम उभय आकांक्षा प्रकरणम श्रुति लिंग स्थान सन्निधि स्थान और श्रुति लिंग स्थान समाख्या, समाख्या बोलते हैं वो जो मतलब पदों के अर्थ को समान स्थान में पढ़ा गया है। तो आप किस, इसका भी एक परिभाषा है, तो आप किस प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं, हम भी श्रुति वाक्य को लेकर के अपने पक्ष को रख रहे हैं, आप भी श्रुति वाक्य को लेकर के आपके पक्ष को रख रहे हैं। इसमें इनमें भी आप श्रुति वाक्य को मतलब लिंग प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं अथवा प्रकरण प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं अथवा श्रुति प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं, इसके ऊपर निर्णय हुआ। उससे निर्णय करके ये दिखाया कि ये जो है इस सभी वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में होना संभव है। अच्छा, तो कल बताया था स्वामी जी ने जब प्रथम अध्याय का नाम समन्वय अध्याय है, तो उसमें जो है कि समस्त वाक्यों के समन्वय ब्रह्म में होता है, कहीं पर स्पष्ट ब्रह्मलिंग है, उसके बाद ब्रह्म को दो भाग में विभाजन कर दिया गया है, एक ज्ञेय ब्रह्म एक ध्येय ब्रह्म, उसमें भी अस्पष्ट लिंग को लेकर के बाकी दूसरा और तृतीया पाद में विवेचन किया गया है, और चौथा पाद में ऐसा कुछ श्रुति वाक्य आया हुआ है जिन श्रुति वाक्यों को अन्यवादियों ने अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए उसको अपनी तरफ से अर्थ करके दिखाया। तो पहला तीन आनुमानिक अधिकरण उपसंख्या अधिकरण चमस अधिकरण, इनमें जो है उस श्रुति वाक्य को लेकर के सांख्यवादियों ने जैसे जैसे उसको अर्थ किया, तो भगवान भाष्यकर बोला जहाँ पर ये पढ़ा गया है वहाँ पर इसका ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है, इसलिए इस वाक्य की समन्वय अथवा इस वाक्य की अर्थ आपने जैसा महत्व पद को प्रयोग किया, प्रधान शब्द प्रयोग किया, महत्व शब्द प्रयोग किया, उस अर्थ में श्रुति पर्थ नहीं आया। इसी के प्रसंग में एक अधिकरण आया हुआ है, प्रकृति अधिकरण, इस विषय में परमानंद जी विशद बोलेंगे, आप लोगों को रखा हुआ है, परंतु उसके थोड़ा सा हमको चाहिए। कल कुटीर समय जी ने आपको एक अधिकरण में बताया, तद अनन्नतम आरंभन शब्दादिभ्य, इसका मतलब ये बताए थे कार्य कभी भी अपनी कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता है, उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति काल में, उत्स्थिति काल में, लय काल में, लय के बाद, जो वस्तु जिसको छोड़ करके नहीं रह सकता है उसका स्वरूप वही होता है। तद अनन्नतम आरंभन शब्दादि से इसको ये निर्णय करके दिखाया। तो जिस प्रकार अब हमारा प्रश्न ये है आप लोगों के सामने कि किसी चीज़ को बनाने के लिए दो प्रकार के कारण की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार घड़ा के लिए केवल मृत्तिका रह जाए तो घड़ा में नहीं बदलने वाले हैं, आपको उसको घड़ा में बदलने के लिए कुछ उपकरण भी चाहिए और कोई बनाने वाला भी चाहिए। वेदांत में इसको निमित्त कारण बोलते हैं, एक उपादान कारण एक निमित्त कारण। अब जो घड़ा बना, जो उस वो जिसको छोड़ के नहीं रह सकता है, वो निमित्त कारण को छोड़ करके कि उपादान कारण को छोड़ करके, क्या प्रश्न किया मैं? स्वामी जी ने कल बताया था कार्य जो कभी भी अपनी कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता है, इतना तो हमको समझ में आता है। अब हमारा प्रश्न है, हमें दिखता है व्यवहार में कि दो प्रकार के कारण होती है, एक उपादान कारण एक निमित्त कारण। तब जिस अब जो है अब जो वस्तु वो किसको छोड़ करके नहीं रह सकता, उपादान कारण को अथवा निमित्त कारण को? उपादान कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता है, क्योंकि हमें घर बाजार में दिखाई पड़ता है वो कुम्हार वहाँ पे नहीं आता है बेचने के लिए, किसी को दे देते हैं, परंतु मिट्टिका को छोड़ करके घर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रकृति अधिकरण आया हुआ है उसमें ये दिखाया गया है, सभी वादियों ने जगत की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता परमात्मा है माना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सभी वादियों ने जितना भी हमारे द्वैतवादी अद्वैतवादी सभी वादियों ने जो है भगवान सृष्टिकर्ता है, परंतु सृष्टि का उपादान क्या है, इसको लेकर के जो है सभी वादी आपके साथ सहमत नहीं है,
परंतु महर्षि वेदव्यास ऋषि ने जो है एक सूत्र बनाया, प्रकृतिश्च परमात्मा उपादान कारण भी है। कैसे आपने निर्णय किया? बोलते हैं प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्, श्रुति की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा, और उसके लिए दृष्टांत भी दिया हुआ है। इसको विशद बताएंगे, जिस प्रकार हम एक जगह पर दृष्टांत दे करके कहेंगे, जैसे छांदोग्य उपनिषद में पिता पुत्र को बोलते हैं कि उततम आदेशम अप्राक्ष जेन अष्टुतम सुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम, मतलब एक चीज़ को तुमने अपने गुरु से पूछा जिसको जानने से सारा चीज़ जाना हुआ हो जाएगा, जो चीज़ तुमने मनन नहीं किया वो भी मंतव्य हो जाएगा, जो नहीं जाना वो भी जाना हो जाएगा। तो बोले नहीं जानते हैं, फिर उसको प्रतिपादन करने के लिए, वहाँ पे पुष्ट करने के लिए, तो हमें मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारम, मतलब उपादान कारण सत्य है, मतलब अब जगत की मूल उपादान कारण जो है वो सत्य है, और उसके ऊपर जो भी विव्यर्थ रूप में अथवा परिणाम बात, क्योंकि कार्य कारण अनन्यत्व न्याय को समझाने के लिए पहले हम परिणाम बात को आश्रय करते हैं, परंतु वेदांत तो फिर उसको घूम जाते हैं, बोलते हैं परिणाम बाद में भी जैसा कार्य अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता है, उसी प्रकार विवर्त बाद में भी कार्य अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास हर एक श्रुति में ये दिखाई पड़ता है, सृष्टि सृष्टि मतलब कल श्रुति सृष्टि हमारे कुलटी स्वामी जी ने सृष्टि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के हुआ, इसको लेकर एक अधिकरण भी आया है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में, सृष्टि की अलग अलग होने पर भी सृष्टिकर्ता के बारे में जो कथन है वो अलग अलग नहीं है। सदैव संविदमग्र एकमेव अद्वितीयम, हर जगह पे नान्नत किंचित आत्मा वैदमग्र आशित नान्नत किंचित मिशत, इस प्रकार से जिस किसी भी जगह पे सृष्टि के बारे में कथन हुआ है वहाँ पे सृष्टि की प्रक्रिया में अलग अलग होने पर भी सृष्टिकर्ता के बारे में भिन्न भिन्न कथन नहीं है। इसलिए ये जो वेदांति के ऊपर आक्षेप आता है, यहाँ तो आप सृष्टि नहीं, तो भगवान शंकराचार्य जो बोलते हैं, देखो हमारे सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, किसी भी उपनिषद वाक्य में आपको कहीं नहीं कहा गया इस सृष्टि को जानने से आपको ये फल मिलेगा, परंतु सृष्टिकर्ता को जानने से आपको महान फल मिलेगा। तो इस सृष्टिकर्ता को जानने से महान फल मिलेगा, इसको समझाने के लिए सृष्टि को अध्यारोप किया गया। सृष्टि इस अध्यारोप अपवादाभ्यम निष्प्रपंच, क्योंकि निर्विशेष तत्व को हम किसी से भी पूछे, अच्छा आप बताइए इलेक्ट्रिसिटी क्या वस्तु है अथवा हीट क्या वस्तु है, आप क्या करेंगे, हमको कैसे समझाएंगे आप? सबके सामने सब पढ़े लिखे हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या वस्तु है तो आप हमको कैसे समझाएंगे? यदि हमारा दुश्मन होगा तो हम बोलेंगे थोड़ा सा प्लाग के अंदर उंगली डाल के देखो, यही बोलेंगे ना, वो सुन वो समझेगा कि बिगड़ जाए पूरा ये राम नाम सत्य हो जाएगा, तो वो समझेगा कैसे? मतलब मेरा कहने का अभिप्राय है, किसी भी एनर्जी को यदि आप समझना चाहते हैं, कोई उपकरण के बिना आप उसको समझा नहीं सकते हैं। किसी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या है समझाने के लिए हम बोलेंगे देखो जिसके रहने के कारण ये पंखा चल रहे हैं, ये बत्ती जल रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर गीजर फ्रीजर जो भी कुछ आप बोलो सब कुछ, परंतु वो नहीं दिखाई देता, परंतु जिसको दिखाई देने पर ये समझ में आता है। ठीक इसी प्रकार समस्त यूनानिमस मस ऑफ एनर्जी जिससे सारा चीज आया हुआ है, जो नहीं देखा जा सकता है, उसको समझाने के लिए हमारे पास क्या उपाय होगा? कोई ना कोई एक माध्यम लेना पड़ेगा आपको, है ना, जो हम व्यवहार करते हैं। इसीलिए भ्रांति से जिसको हम व्यवहार करते हैं, श्रुति उसी को प्रयोग करके हमको उसके पीछे क्या चीज़ छुपा हुआ है उनको समझाते हैं। ठीक है, इसीलिए सृष्टि की उपयोगिता है, परमात्मा सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ये वेदांत सिद्धांत अनुसार माना गया है। और कोई भी मतलब द्रव्य उस परमात्मा को छोड़ करके नहीं रह सकता है। अब बताओ कि जब आप ये सिद्धांत तो मान लिया कि परमात्मा को छोड़ करके कोई भी द्रव्य विषय वस्तु नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना, तो जब किसी भी वस्तु को आप देखते हैं वहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? 100% होना चाहिए। यदि आपको वेदांतिक सिद्धांत तो समझ में आया
और आपने मान लिया कि उपादान कारण को परमात्मा जगत की अभिन्न निमित्त उपादान कारण है और उपादान कारण को छोड़ करके कोई भी कार्य कभी भी नहीं रह सकता है, तो जिस समय कार्य रूप में जगत प्रपंच हमको दिखाई दे रहा है, चाहे वो अलग अलग नाम अलग अलग रूप में, तो परंतु परमात्मा को छोड़ कर तो हम नहीं देख सकते हैं। तब ये बताओ कि दिख तो रहे हैं कोई नाम रूप, तो परमात्मा कहाँ है, यहाँ पे किस रूप में है परमात्मा? ऐसे तो हर एक नाम रूप परमात्मा का ही रूप है, परंतु देखो किसी वस्तु में छह चीज होते हैं, एक है सत चित और आनंद, और एक है नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता, ठीक है ना? अच्छा मैं आपको यदि ये क्या है एक स्टैंड है, तो ये एक स्टैंड है, आप तो ठीक बोला, तो आप क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या, ठीक बोला, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? थ्री लेगेड, एक तीन सर्कुल सिलेंड्रिकल तीन लेग है, इसकी अस्तित्व तो है आपको दिखाई दे रहा है? किस इंद्रिय से आप अस्तित्व को देख रहे हैं, कौन सी इंद्रियों से आप इसकी अस्तित्व को देख रहे हैं? आंख से? आंख तो रूप को देख सकते हैं केवल, आप इसका रूप, आप ये जो देख रहे हैं ये सफेद कलर का है और ये तीन लेग है, अथवा इसका रूप और नाम तो आप कान से सुन सकते हैं और रूप आप आंख से देख सकते हैं, परंतु इसकी अस्तित्व को आप कैसे देखते हैं? और पहले वस्तु की अस्तित्व है कि पहले नाम रूप है? पहले नाम रूप है, वस्तु हो तब ना उसका नाम रूप होगा, वस्तु नहीं है तो नाम रूप कहाँ से आएगा? ये कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट वेदांत के क्लियर हो तब आप वेदांत तो समझना आसान हो जाएगा आपको। ऐसा कुछ भी, क्योंकि जैसे माँ के पास मामा कोटि का गल्प कथन करे तो माँ को समझ में आता कि नहीं आता? मामा कोट का कथन अगर माँ पे मामा माँ के पास कोई करे तो इसीलिए आपके बारे में कथन करते हैं ऋषि लोग, तो हमको क्यों नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा? तो इसकी अस्तित्व को आप आँख से नहीं देख रहे हैं, और कोई बोल रहे हैं कि ये है तो भी आप नहीं मानेंगे। अच्छा ये बताओ, रात के समय आप पूरा कमरा अंधेरा करके सोया हुआ है, अचानक आपको नींद खुल गई, तो आप अपनी अस्तित्व को किससे देखते हो? मैं हूँ ये आपको अनुभव में आता है कि नहीं आता? लाइट नहीं है, आँख बंद करके रखा आपने, ठीक है, आप अपनी अस्तित्व को समझते हैं? कैसे समझते हैं? ये अस्तित्व अनुभव गम्य है, हम अपनी अस्तित्व को समझते हैं, और पूरा सृष्टि में अस्तित्व एक ही है, उस अस्तित्व के अनुभव से ही हम इसकी अस्तित्व को भी समझ सकते हैं। पहले ये है और ये है हमारे साथ स्फुरित हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है, और ये हमको अभी हम उपयोग करते हैं, ये हमको आनंद भी दे रहा है। ये पहले है, फिर उसका नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता, इसकी उपयोगिता। यदि दृग्दृश्य विवेक पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट करके इसको दिखाएगा, वहाँ पर पाँच चीज़ लेकर के बोला, जैसे भी है अब आपने क्या माना, हर चीज़ में आपको परमात्मा दिखाई दे रहा है, तो कौन सा भाग परमात्मा का हो गया? क्योंकि हम सभी बोलते हैं परमात्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा सतरूप है, परमात्मा चित्रूप है, तो परमात्मा आनंद रूप भी है। इसीलिए सभी वस्तु में आपको एक पूछेगा, आपको महाराज आपको भगवत दर्शन हुआ, आप क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे बताइए? हमने एक को बोला था, क्या भगवान को छोड़ करके कभी कुछ देखना संभव है? परंतु वो विचार अभी नहीं खुलता, हम लोगों से कई चीज सुनते हैं ना, तो मन ऐसा लगता है कि कुछ अलौकिक दर्शन हो जाए तो हमें ठीक ठीक दर्शन। अलौकिकता का मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, आपके भाव से आपको दिव्य दर्शन हो सकते हैं, उसका मैं निषेध नहीं करता हूँ, परंतु वो तो सबको समझ में नहीं आएगा। तो सबको समझने वाला भगवान कैसे समझ में आता है? कि आप अपनी अस्तित्व को समझते हैं, इसे अपनी अस्तित्व इस अनुभव के सहारे अन्य किसी भी वस्तु के अस्तित्व को समझते हैं, और जो अस्तित्व के स्फुरन आपके सामने होता है यही है ईशावश्यमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्तम जगत। हम अभी नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता के द्वारा सच्चिदानंद को ढक दिया, क्योंकि मन वहीं पर रुक जाता है। शास्त्र का पहला ही निर्देश क्या है? सच्चिदानंद के द्वारा नाम रूप को ढक दो।
घबराना नहीं, हम भागेंगे नहीं। वो जो कल स्वामी जी ने बताया था, तद अनन्नतम आरम्भन शब्दादिव्य, इससे हम कहाँ तक पहुँचे, इससे हम यहाँ तक पहुँचे कि जो है जो भी कुछ वस्तु परमात्मा को छोड़ करके आप नहीं देख सकते, क्योंकि परमात्मा जगत की अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ठीक है। अच्छा, अब कल जो प्रसंग में थोड़ा सा जो ये बताएंगे, हमारे भारत में जो है 7 प्रकार की दर्शन देखते हैं, 13 प्रकार की, उसमें 6 आस्तिक दर्शन है, 7 नास्तिक दर्शन है। आस्तिक और नास्तिक दर्शन के विभाजन में इतना ही मात्र भिन्नता है कि आस्तिक दर्शन वाले वेद के अनुसार अपने सिद्धांतों को बनाया, और नास्तिक दर्शन वाले वेद को नहीं मानते हैं। आस्तिक दर्शन में सबसे पहला है सांख्य दर्शन के कपिल महर्षि, कपिल का सांख्य दर्शन, और उनका अनुसरण करने वाले योग महर्षि पतंजल का योग दर्शन, इसी प्रकार के न्याय वैशेषिक जन गौतम अर्कनाथ के, उसके बाद उत्तर पूर्व पूर्व मीमांसा, फिर उत्तर मीमांसा। इन 6 में एक चीज कॉमन है, इन आस्तिक दर्शन में 6 वादियों ने ज्ञान से मुक्ति माना। इसमें ज्ञान में थोड़ा अर्थ की भिन्नता है, किसकी ज्ञान, कैसे ज्ञान, कितने वस्तु को ज्ञान, इसको लेकर के तो थोड़ा बहुत मतभेद है, परंतु इन सभी दर्शन हमें वेदांत दर्शन के मुख्य सिद्धांत में पहुंचने में मदद भी करते हैं। सांख्य दर्शन कहते हैं 2 तत्व के ज्ञान से पुरुष और प्रकृति की विवेक से मुक्ति होती है। योग दर्शन इसको एक अलग तत्व को जोड़ करके ईश्वर को भी लाया, क्योंकि प्रकृति पुरुष को नियमन करने वाला एक तत्व चाहिए, परंतु सिद्धांत तो ही है प्रकृति पुरुष की विवेक की, मतलब ये 2 तत्व के ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। न्याय दर्शन कहते हैं कि 16 तत्व के ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। वैशेषिक दर्शन कहते हैं कि 7 पदार्थों के ज्ञान से मुक्त होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन कर्मों से मुक्ति मानते हैं, परंतु प्रभाकर उपासना सहित अथवा समुच्चयवादी कर्म सहित उपासना के ज्ञान बोलते हैं, उससे ब्रह्मलोक तक मुक्ति मानते हैं। और वेदांत दर्शन 1 तत्व के ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। अपने स्वरूप के ज्ञान मात्र से ही हम संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, और क्या है कि जिस प्रकार किसी भी भ्रांति स्थल में आपको उसका 2 भाग होता है, इसको भी अच्छी तरह से समझना। एक होता है आधार, एक होता है अधिष्ठान। भ्रांति स्थल में सामान्य जो अधिष्ठान की सामान्य ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान नहीं होता। अधिष्ठान की मतलब यहाँ पर हम अधिष्ठान नहीं बोलेंगे अभी, भ्रांति स्थल में जिस वस्तु के कारण भ्रांति हो रहे हैं उसका सामान्य ज्ञान, उसको हम आधार बोलते हैं, और जिस विशेष ज्ञान की अभाव है उसको हम भ्रांति की अधिष्ठान बोलते हैं। जिस प्रकार अभी क्या है, ये सर्प है, फिर जब ज्ञान होगा तब क्या है, नहीं नहीं ये रज्जु है, तो इसमें बदला कौन, बदला रज्जु और सर्प, परंतु ये है, ये नहीं बदला, ये जो ये है मतलब सामने कुछ है, ये हो गया आधार, और उसका विशेष अंश का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमें भ्रांति होती है कि ये सर्प है। अब आओ इधर पे, बाकी जगत को छोड़ दीजिए, आप इधर आइए। यहाँ पे सामान्य ज्ञान हमें है कि मैं हूँ और मैं चेतन भी हूँ, इस विषय में किसी को कोई शंका नहीं है। छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तू जड़ है कि चेतन है, क्या उत्तर देगा, चेतन बोलेगा। तो निश्चित है कि आप जो है चेतन है, इस विषय में कोई शंका नहीं है। ब्रह्म सूत्र की जो है द्वितीय अध्याय में उसका नाम है अविरोध अध्याय। ठीक है, कल बताया था शुद्ध, मतलब आपने जो अपना सिद्धांत को बनाया, मतलब समस्त वाक्यों को ब्रह्म में समन्वय किया, इससे दूसरे वादी के सिद्धांत के साथ आपका विरोध होता कि नहीं होता। तो महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि किसी के साथ हमारा विरोध नहीं है, अविवाद निबोधत, किसी के साथ हमारा विरोध नहीं है, हम तो सबका आत्मा है, किसके साथ विरोध करेंगे। सिद्धांतिक दृष्टि से वहाँ पे ये अविरोध जो सांख्यवादियों के पद में थोड़ा सा भिन्नता है उसको समझाए स्मृति पाद में। पहला पाद का मतलब अविरोध अख द्वितीय अध्याय का पहला पाद है स्मृति पाद, दूसरा पाद है तर्क पाद। हम कोशिश किए थे ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय में 4-4 कि 5-5 पाद है, कितने पाद है, 4-4 पाद, कुल मिला के कितना होगा 16। प्रत्येक पाद से यदि हम एक भी अधिकरण रखेंगे तो अब कितना प्रवचन की आवश्यकता है, 16 दिन कितना मिला हमको,
तब क्या हो गया, चार दिन तो कम करना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें से छांट छूट के जो ये जो एक दूसरा अध्याय की दूसरा पाद है, इसका नाम है तर्कपाद। ये जगन्नाथ की भूमि तर्क से नाम नहीं होता, तो इसीलिए वो तर्कपाद का कोई अधिकरण नहीं रखे। कालकुटी समझ ने बताया था, उसको समझने के लिए दुष्टवादियों के सिद्धांत को थोड़ा समझने पर तब उसमें क्या कमी है वो भगवान भाष्यकर समझे। उसके बाद आता है सृष्टि के बारे में कथन। सृष्टि के बारे में कथन करती है, भूत आदि दिखाई पड़ता है ना, तो दूसरा अध्याय की तृतीय पाद का नाम है वियतपाद। तृतीय दूसरा अध्याय की तृतीय पाद का नाम है वियतपाद। अर्थ हमारे पास जिस विषय को है वो वियतपाद के अंतपाती, मतलब वहाँ पे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सबकी सृष्टि एक के बाद एक दिखा करके फिर शंका उठाया, जब सबकी सृष्टि हुई तब ब्रह्म कभी उत्पन्न होगा? तो खबरदार, ये नहीं कहना, तब अनवस्था दोष में आ जाओगे, एक जगह पे आके रुकना ही पड़ेगा। न आत्मा अश्रुते नित्यत्वात् शताभ्य, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि श्रुति में आत्मा की उत्पत्ति नहीं सुनाई दिया, वो श्रुति स्मृताभ्य श्रुति स्मृतिभ्य वो नित्य है। ठीक है, तो इसे दिखाई देते हैं जड़ की उत्पत्ति होती है, चेतन की उत्पत्ति नहीं है। आप अपने को चेतन मानते हो कि जन्म, अभी क्या कहा आपने, चेतन, तो आपकी जन्म मृत्यु नहीं है। मानने के लिए तैयार है? नहीं महाराज, मैं तो बुढ़ा हो गया, दो दिन बाद मर जाऊंगा। ये कितना भ्रांत धारणा बैठे हुए है, मैं चेतन हूँ ये कहने में किसी का कोई शंका नहीं है, परंतु सृष्टि चेतन की नहीं होती, चेतन एक है, चेतन अनेक नहीं है, और चेतन की उत्पत्ति नहीं है, जड़ की उत्पत्ति होती है, शरीर की उत्पत्ति होती है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होगा, उसका नाश भी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस सिद्धांतों में आने के बाद अब जब आपने सिद्ध कर दिया कि जीव और ईश्वर और जीव आपस में कोई भिन्नता नहीं है, इसके जिस अधिकरण के लेकर के थोड़ा सा हम इसमें आएंगे सामान्य रूप से, जो इस प्रकार वियत पद के बाद आता है प्राण पद। यहाँ भी ऐसा ही, स्तुति में सृष्टि वाक्य को लेकर के जहाँ जहाँ जैसा विरोध दिखाई दिया वो वास्तविक विरोध नहीं है, वो अलग अलग रूप प्रकार से कहा गया है। कल बताया था प्राण पद में भी इंद्रिय कितने हैं इसको लेकर के भी विचार करके फिर यहाँ भी कोई विरोध नहीं है, एकादश इंद्रिय हैं, इस प्रकार से निर्णय किया गया है, प्राण ज्येष्ठ भी अश्रेष्ठ ये दिखाया गया है। ये हो गया हमारा अविरोध नामक द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय का क्या नाम था? साधन अध्याय। तृतीय अध्याय का नाम है साधन अध्याय। इस साधन अध्याय में मतलब इस तत्व को समझने के लिए अपनी व्यापकता पूर्णता असंगता, अपनी मैं हूँ और मैं चेतन हूँ ये आपका ज्ञान है, मतलब सामान्य ज्ञान है, आधार का विशेष अंश का ज्ञान नहीं है। मैं बताया था एक आधार एक अधिष्ठान, उस विशेष अंशों का ज्ञान नहीं रहने के कारण हमें क्या हो गया, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। अब बताइए, ये आप उल्टा बोल रहे हैं स्वामी जी, सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं है। ठीक है, आपके सिद्धांतों को मैं इस समय, हो सकता है हमारी समझ में कोई गलती होगा, मैंने जहाँ तक समझा वही मैं बता रहा हूँ आपको कि सामान्य रूप से मैं हूँ ये ज्ञान सबको है, मैं तो मैं विशेष ज्ञान इसको कहना चाहता हूँ कि बस यही विशेष ज्ञान है, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा अभिप्राय है। मैं असंग हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं पूर्ण हूँ ये ज्ञान हमें नहीं है, परंतु मैं हूँ और मैं चेतन हूँ ये ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है। क्यों? ये सबको ज्ञान है, ये ज्ञान किसी का नहीं है ये बात नहीं है। तो जो अब जो है इस चीज़ को समझने के लिए हमको क्या बताया था तृतीय अध्याय की पहले पद में, वैराग्य को लेकर के कथन किया गया है, क्यों वैराग्य के लिए मृत्यु चिंता पहले चाहिए, मृत्यु चिंता के बिना वैराग्य। आप देखना किसी व्यक्ति को कोई डॉक्टर कह दे आपका कैंसर है, अधिक दिन आप जीने वाले नहीं हैं, आप देखना उसके व्यवहार को, वो अपने पत्नी से बच्चे से भी बात करने की इच्छा नहीं करे। जब लोग जबकि हम सभी जानते हैं मृत्यु अनिवार्य है, फिर भी कब है ये नहीं जानते हैं, इसीलिए आनंद से व्यवहार करते हैं, परंतु संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए आत्म व मघवान मृत्यु ना छंद को उपनिषद आ जाता है, मृत्यु के द्वारा गूंथा हुआ है जीव, इसलिए
ये अपनी मृत्यु चिंता के द्वारा वैराग्य आता है संसार से, और वहाँ पे ये जन्म में पंचाग्नि विद्या के माध्यम से ये जीव को ऊपर से ऊपर जाने में तो ठीक है, नीचे आने में क्या क्या दुख सहन करना पड़ता है उसका वर्णन अगर देखेंगे। श्रुति अपने आप कहती है तस्मा जुगुप्सेतः, बस उससे घृणा हो जाए और कभी इस संसार में आना ना पड़े। और ये श्रुति तीन उपनिषद में भी बोलती है, यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेत यह अवेदित महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, है ना। तो इस मनुष्य शरीर रहते रहते ही हमें हर प्रकार से प्रयास करना है कि हम अपने स्वरूप को कैसे जान सके, हम क्या वस्तु है उसको अनुभव करना है, नहीं तो इस मनुष्य शरीर छूट जाने पर फिर कब ये सद्गुरु अथवा गुरु कृपा ईश्वर कृपा ये सब मिलेगा और फिर एक मनुष्य शरीर मिले फिर उसमें फिर मैं फिर हमको आत्मज्ञान के लिए व ईश्वर प्राप्ति के लिए ये इच्छा उत्पन्न हो, ये कोई निश्चय नहीं है। क्योंकि पूर्व की तो संचित कर्म में कौन सा कर्म बलवान हो के फल देने में उद्यत हुआ है वो हमें पता नहीं है। इसलिए श्रुति तीन केनोपनिषद कठोपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद तीनों श्रुति में थोड़ा शब्द की भिन्नता है परंतु कहत यही है। तो इसी यहाँ से इस जगन्नाथ धाम में आ करके भगवान के पास ये प्रार्थना करना है कि भगवान बस पुनर्जन्म दुख परित्राही संभव और हम कहना ना पड़े। और ये कब संभव होगा कि जब यदि आपको वेदांत विचार निरंतर चलते रहे, जैसे कल बताए थे अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिव आत्मा तत्व, बार 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 इसको अगर विचार करते रहेंगे तब जाकर के आपको तत्व साक्षात्कार होगा। परंतु जन्मांतरीय संस्कार सबके इतना अच्छा नहीं है तो श्रुति सबके लिए रास्ता खोल देते हैं। तब बोलते हैं यदि यहाँ तक मन स्थिर नहीं हो पा रहा है तो अब आइए आप कुछ उपासना के माध्यम से आइए। तृतीय अध्याय की तृतीय पाद का नाम है गुणोपसंहार पाद। उसमें जो श्रुतियों में अलग अलग जगह पे जिन जिन मतलब उपासना के बारे में कथन किया गया है वहाँ पे किस किस उपासनाओं में हमको हम मिला सकते हैं किसको नहीं मिला सकते हैं उसके बारे में विचार करके उपासना की प्रसंग आया हुआ है। यहाँ पे जो है हम दृष्टांत तो दिन से आपको सांडिल्य विद्या छांदोग्य में भी आया हुआ है, बृहदारण्यक में दो जगह पे आया हुआ है, ये दोनों एक ही विद्या है। तो छांदोग्य के गुण को इधर में मतलब बृहदारण्यक शाखा वाले बृहदारण्यक वाले छांदोग्य गुण को लेकर के उपासना कर सकते हैं। परंतु उद्गीद विद्या वो छांदोग्य में भी आया हुआ है बृहदारण्यक में, वहाँ पे गुणोपसंग नहीं होता क्योंकि वहाँ पे उपक्रम में भिन्नता है प्रतिज्ञा में भिन्नता है। जिस प्रकार उदाहरण परंतु इस तृतीय अध्याय की तृतीय पाद में एक बहुत अच्छा अधिकरण है कि निर्गुण ब्रह्म का भी क्योंकि उपासना के निर्गुण ब्रह्म का भी उपासना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है अक्षरधीय अधिकरण को देखना। परंतु कैसे उपासना, आप निषेध की प्रक्रिया को अपनाओ, निषेध की प्रक्रिया को अपनाओ, ये मैं नहीं हूँ ये मैं, मन स्थिर करने के लिए कोई अवलंबन लेकर के कर सकते हैं। परंतु एक और दूसरी प्रक्रिया है ये निषेध करते करते निषेध करते करके निषेध की अधिष्ठान के रूप में जो तत्व अंतिम में बच जाता है यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है, इस प्रक्रिया को आप करने हुए भी आप अपने स्वरूप को समझ सकते हैं। इसके तीसरा अध्याय के चतुर्थ पाद पुरुषार्थ अधिकरण से शुरू होता है। पुरुषार्थ के लिए परम पुरुषार्थ के लिए ज्ञान ही एकमात्र साधन है और जो है उसको मदद करने वाला है। कर्म हमारे मल दोष को दूर करते हैं, कर्म सहित उपासना विक्षिप्त दोष को दूर कर रहे हैं, परंतु आवरण भंग तो ज्ञान से ही होता है। ये कथन करने के बाद वहाँ से उपासना का जो थोड़ा हिस्सा बचा हुआ था वो चतुर्थ अध्याय की पहले पाद, इसका नाम है फल अध्याय। इसमें फल के बारे में कथन किया गया है। तो ये फल प्राप्त करने के लिए पहले थोड़ा सा उपासना के बारे में कथन किया, फिर वहाँ पे दिखाया कि ज्ञान के फल स्वरूप जो है हमारी संचित कर्म जल जाते हैं, क्रियमान कर्म के साथ संबंध नहीं होता और प्रारब्ध कर्म भोग के द्वारा क्षय हो जाने पर जीव मतलब विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं। कई के महापुरुष ये कहते हैं कि जीवन मतलब जीवन मुक्त अवस्था में वो विधेय कैवल्य अवस्था में रहता है क्योंकि शरीर के साथ तादात्म्य तो होते ही नहीं है। फिर उसके बाद ये उत्क्रांति की प्रक्रिया को दिखाया, मतलब जीव अपने को जिस स्थान में बैठ करके व्यवहार कर रहा है वहाँ से धीरे धीरे अंदर कैसे आता है, इंद्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि प्राण में, प्राण तेज से तेज परशुराम देवतायाम, ऐसा करके उसका विड्रॉल, ये विड्रॉल आप यदि जागृत में बैठ करके इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तब क्या होगा, धीरे धीरे आपके शरीर से तादात्म्य छूट जाएगा।
अब जब उत्क्रांति के लिए अब आपने ठीक है आपने विड्रॉ कर लिया निकला, अब बाहर निकलने के बाद किस मार्ग से जाएंगे, तृतीय पाद में उत्तरायण दक्षिणायन पाद मार्ग की वर्णन है, और चतुर्थ पाद में फल में ज्ञान के भी और उपासना के फल ब्रह्म प्राप्ति है, सीधा सीधा ब्रह्म प्राप्ति अथवा क्रम से ब्रह्म प्राप्ति। इस प्रकार से ब्रह्म सूत्र का संक्षिप्त परिचय स्वामी जी ने कल बहुत अच्छी तरह से दिए थे। हम थोड़ा सा इसको अभ्यास लिंगो बोलते हैं, जिसको हम आप सबको समझाना चाहते हैं वो हम बार बार आपके सामने लाएंगे, ताकि आपके मन में वो चीज़ थोड़ा बैठ जाए हमें करना क्या है। ठीक है, अब हम अपने प्रसंग में आते हैं। संसार में आपने क्या कहा, सब एक ही है और हमें तो भिन्न भिन्न दिखता है। यहाँ भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? हम अपने प्रत्यक्ष प्रमाण को बलवान प्रमाण मानते हैं, परंतु एक चीज़ यहाँ पे और समझना है हमको, प्रत्येक प्रमाण के प्रमेय वस्तु अलग अलग होते हैं। इस विषय में निश्चय है कि नहीं? प्रत्येक प्रमाण के प्रमेय वस्तु अलग अलग है। आप आँख से शब्दों को सुन सकते हैं कि नहीं सुख सकते हैं? नहीं। क्यों? आँख तो खुली है। अथवा कान से देख सकते हैं कि नहीं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि प्रत्येक प्रमाण, ये प्रमाण है, प्रमाकरणम प्रमाणम, इसका प्रमेय वस्तु अलग अलग है। अब जो आस्तिक दर्शन है वो वेद को प्रमाण माने हैं, और नास्तिक दर्शन में कौन कौन है? पहले है आपका चार्वाक दर्शन, पहला जैन की दोवादी और बौद्ध के चारवादी। बौद्ध में श्रोत्रांतिक वैभाषिक क्षणिक विज्ञान शून्यवाद, तो उनको लेकर के द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद में स्पष्ट विचार हुआ, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। तो जिसमें हम यहाँ पे क्या बोल करते रुक गए, हम ब्रह्म है। ये जो है आपको समझने के लिए हम क्या कर रहे थे कि आपने दिखाया कि कोई भी वस्तु अपने उपादान कारण को छोड़ करके कभी नहीं रह सकता है। अब जब उपादान कारण को छोड़ करके कभी नहीं रह सकते हैं, और आपने ये सिद्ध कर दिया कि जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, यानी कि सब एक ही हो गया। अब जब सब एक ही हो गया तो अब इसमें हमें तो सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हमें भिन्न भिन्न दिखाई पड़ने पर भी तो वेद की जो प्रमेय वस्तु है वो भी कोई एक विशेष प्रमेय वस्तु होगा जो अन्नों के प्रमाण से नहीं जाना जाता। यदि अन्नों के प्रमाण के द्वारा वेद जिसको प्रमाण करना चाहते हैं उसको हम समझाएंगे तब तो वेद की प्रामाणिकता की हानि हो जाएगी। तो अब ये सोचिए कि वेद की प्रामाणिकता किस वस्तु में है। वेद की परिभाषा को देते हुए हमने सुरेश्वराचार्य के एक वार्तिक में पढ़ा था, प्रत्यक्ष अनुमितिभ्याम उपायजस्तु न विद्यते न बुद्धते एतम विन्दति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। हमारे पास कोई परेशानी है जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा, अन्य किसी माध्यम के द्वारा जिसको हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उसकी समाधान के लिए जो धर्मीय प्रक्रिया, शास्त्रीय प्रक्रिया, अलौकिक प्रक्रिया बताते हैं वो वेद है। तो वेद के भी प्रमेय वस्तु एक है, और उसमें वेदांत भाग तो एक प्रमेय वस्तु होगा। तो अब ये बताइए, आपको ये समझ में आता है वेदांत में जिसको कहा उसकी प्रमेय वस्तु क्या है? हम तो इतना उपनिषद पढ़ते हैं, तो प्रमेय क्या है? एकत्व, जीव ब्रह्म के एकत्व प्रतिपादन ही समस्त वेदांत, यानी कि अपने स्वरूप को। तो जो जीव की पारमार्थिक स्वरूप व्यापक है, असंग है, ये और कौन सा प्रमाण से आप जान सकते हैं? एकमात्र आगम प्रमाण है आपके साथ, बाकी कोई प्रमाण यहाँ पे नहीं है। इसलिए जो वादी कहते हैं कि हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्नता दिखाई पड़ते हैं, और श्रुति कहती हैं कि नहीं सब एक है, तो इसमें तो विरोध है, तब उनको क्या कहना चाहिए? देखो, श्रुति यदि तुम्हारी प्रत्यक्ष प्रमाण वाले विषय की प्रतिपादन करेंगे तब तो श्रुति एक अनुवाद मात्र हो जाएगी। श्रुति की प्रतिपाद्य विषय बिल्कुल अलग है, वो है जीव की पारमार्थिक स्वरूप, जो श्रुति प्रमाण के बिना और किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, नहीं जाना जा सकता। इसीलिए हमारा किसी प्रमाण के साथ, किसी वादियों के साथ कोई विरोध भी नहीं है। अच्छा, श्रुति में दो भाग होते हैं। एक होते हैं जिस प्रकार, देखिए, एक व्यक्ति सर्प को देख करके डर के मारे भाग रहा है, ठीक है ना? सांप सांप सांप। अब उसको मैं बोलूं, हे मूर्खानंद, वहाँ पे सांप नहीं है, कहाँ भाग रहा है तू, रुक जा, वो ये डांट सुन करके और भागेगा। परंतु यदि हम उसको बोलते हैं, हाँ ठीक बोल रहे, रुको थोड़ा,
हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि हाँ साफ है कि थोड़ा रुको, प्रेम से उसको रुको। श्रुति भी ऐसा ही काम करती है, जो हम जानते हैं उतना पहले बोलते हैं, हाँ इतना हिस्सा तक ठीक बोलते हो, जैसा सनत कुमार नारद क्या तुम जानते हो तो बोलते हैं, तो हाँ देखो यहाँ तक तुम ठीक बोल रहे हो, इतने आगे मैं तुमको बताऊँगा। इसी प्रकार जो हम जानते हैं समझते हैं वो चीज़ जब श्रुति बोलती हैं वो प्रतिवाद तो भाग नहीं हो सकता है, वो तो अनुवाद भाग है। इसीलिए श्रुति में सृष्टि भी आई क्योंकि हमको दिखाई पड़ती हैं। तो मैं पहले ही बताया था सृष्टि के ज्ञान से किसी भी श्रुति में सृष्टि के ज्ञान से आपको ये लाभ होगा नहीं कहा गया, परंतु सृष्टिकर्ता के ज्ञान से महान लाभ है। और ये प्रक्रिया भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत नहीं है, छांद को उपनिषद में श्रुति अपने आप दिखाती है। क्या दिखाती है? अन्नेन सुम सुम, सारा वस्तु जो भी कुछ आपके सामने है वो आपको, यदि आप लय प्रक्रिया में जाओगे तो अल्टीमेटली आप पृथ्वी तत्व में आ जाओगे। किसी भी वस्तु आपके सामने दिखाई दे आप पृथ्वी तत्व में आ जाओगे, है ना। और मृत्यु का इतने वस्तु कारण ही सत्य है ऐसा मानेंगे पहले, परंतु पृथ्वी भी एक कार्य। अन्नेन सुम शुंगे न अपमूलम अन्निच्छ अद्भि सोम शुंगे न तेज मूलम अन्निच्छ। मैं जोर देता हूँ वहाँ पे नहीं है तेजस सोम शुंगे न वायु मूलम अन्निच्छ। तो इसी प्रकार से पंत वहाँ पे है तेजस सोम शुंगे न सदमूलम अन्निच्छ सदमूलो सौम्य इमा सर्व प्रजा सदायतना सत् प्रतिष्ठा। इस प्रकार से श्रुति अपने आप सृष्टि की उपयोगिता जहाँ पे सत को दिखा करके उस सृष्टि प्रक्रिया को दिखाया, श्रुति अपने आप उस सृष्टि की उपयोगिता किसमें है वो अपने आप दिखाती है। इससे ये निषेधात्मक माध्यम से ये सारा जो जागतिक वस्तु दिखाई पड़ते हैं इसको यदि हम निषेध करते जाएंगे तो अधिष्ठान रूप सत्यत्व का बोध हो जाता है। अब हम जिस प्रसंग में थे सृष्टि प्रकरण में, जब आपको वेदादि की सृष्टि हो गई, आप आत्मा की सृष्टि होना संभव नहीं है। जिस अधिकरण हमको दिया है अंश अधिकरण, उस अंश अधिकरण से पहले दो अधिकरण में एक आता है कर्ता अधिकरण और तक्ष अधिकरण। वहाँ पे कर्तित्व तो किसकी है? बुद्धि की अथवा जीव की। क्या बोलेंगे? बुद्धि तो जड़ है, उसको नहीं हो सकता है, तो वो जीव में ही माना जाएगा, जीव में ही माना जाएगा। और वो देखा है वो औपाधिक कर्तित्व तो है, और वो पर्याप्त अधिकरण ईश्वर अधीन होकर के औपाधिक कर्तित्व तो है, मतलब बुद्धि के साथ मिल करके। बुद्धि के स्वतंत्र उप कर्तित्व तो है ही नहीं, इसके पहले अधिकरण में आया हुआ। तो और जो है वो तक्षाधिकरण में आया हुआ है, वो उपकरण के साथ काम करते हुए, जैसे एक मतलब क्या बोलते कारपेंटर, वो जो है काम करते हुए थक जाता है, परंतु वही व्यक्ति अपने उपकरण को छोड़ करके घर में जाके आराम से सोता है। इसी प्रकार ये जीव अपने जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रियों और विषय के साथ व्यापार करते हुए थक जाते हैं। फिर जब थक जाते हैं तो फिर क्या होता है, अपनी सुषुप्ति अवस्था में अपने स्वरूप में जा करके सो करके फिर पुनर् एनर्जी लेकर के आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसको दिखाने के बाद जीव और इसमें कर्तित्व भी औपाधि का ऐसा कहा, पर्याप्त अधिकरण में आरोपित कर्तित्व भी ईश्वर अधीन ऐसा कहा गया। इसके बाद अंश अधिकरण आता है, जीव और ईश्वर की और जीव के आपस में व्यवहार संकर जो है अथवा नहीं। यदि आप बोलते हैं कि सभी एक है तब क्या होगा कि सभी फल, मतलब एक सभी को एक ही फल मिलना चाहिए, सभी मुक्त हो जाना चाहिए एक ही ज्ञान, परंतु ऐसा नहीं होते, ये दिखाई देते हैं। तो यहाँ परंतु जब आप एक ही है तब तो एक ही सबको एक ही फल मिलना चाहिए, ये पूर्ववादी की शंका है। यहाँ पे सांख्यवादियों ने थोड़ा सा जो है घबराया। सांख्यवादी ये कहते हैं, सांख्यकारिका के एक कारिका में याद आ रहा है, वहाँ कहते हैं जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात युगपत अप्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम गुणवृत्ति विरोधात च। यहाँ पे सांख्यवादियों ने ये कहते हैं प्रकृति, मूल प्रकृति एक है और पुरुष अनेक है, और वेदांत क्या बोलते हैं पुरुष एक है और मन अथवा अंतकरण उपाधि अनेक है, अनेक उपाधि है। तो इससे वहाँ पे सांख्यवादियों ने क्या कहते हैं, क्यों वो पुरुष को अनेक माना, उसके लिए हेतु दिया, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात, जन्म मृत्यु और इंद्रियों की व्यापार सबके अलग अलग है, इसलिए पुरुष एक नहीं हो सकता है। फिर क्या है, युगपत अप्रवृत्त, यदि एक ही आत्मा होता तो सब एक ही दिशा में प्रवृत्त होता, ऐसा भी नहीं होता। और क्या, किसी के अंदर सत्वगुण काम करता है, किसी के अंदर रजगुण काम करता है, किसी के अंदर तमगुण काम करता है, एक ही साथ अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गुण काम करता है, इसीलिए यहाँ पे जो है पुरुष एक नहीं हो सकता, पुरुष बहुत्तम सिद्धम, या ऐसा उनका कारिकाता है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं
अच्छा ये बताइए, ये आप अपने पक्ष में पुरुष को जन्म ने मरण वाला माना कि नहीं? शांकवादियों के पक्ष में पुरुष को जन्म ने मरने वाला नहीं माना, और पुरुष में गुण माना कि नहीं? नहीं, पुरुष तो असंग है। तो आपने प्रकृति की धर्म को पुरुष में क्यों आरोप कर दिया? व्याधिकरण आपको नहीं दिखाई दिया? जिन जिन कारण के कारण आप हेतु से आप पुरुष को अनेक मानना चाहते हैं, वो एक भी पुरुष में आप स्वयं नहीं माने। जन्म मृत्यु पुरुष में नहीं है, गुण पुरुष में नहीं है, और जो क्या है कि एक मतलब गुण के व्यापार भी पुरुष में नहीं है, पुरुष को अपना असंग माना। तो अब जो है उनके पक्ष में तो जब पुरुष को अपने अनेक माना और प्रकृति को अपने एक माना, तब वहाँ पे तो फल शंकर जो होना संभव है। परंतु वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है कि पुरुष एक होने पर भी अनेक घराओं में जल रख देंगे, और वो जल में जो है आकाश एक ही है, आकाश में सूर्य भी एक ही है, परंतु उस घरे के जल में जब सूर्य के प्रतिबिंब होते हैं, वो सूर्य के प्रतिबिंब उस घरा के जल के अनुसार हमको प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना, प्रतिबिंब अनेक होने पर भी बिंब एक ही है। अच्छा एक प्रश्न सामान्य पूछता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 10 घरा है और 10 घरा में पानी भी भरा हुआ है, और सारा बत्ती बंद करके केवल एक बत्ती हमने यहाँ पे रखा, तो उसकी प्रतिबिंब भी घरा में हो रहा है। तो इस समय यदि हम कहूँ कि यहाँ पे क्या है, तो हम यही कहेंगे 10 घरे में पानी, पानी में इस लाइट की प्रतिबिंब और एक बिंब, ठीक है, यही बोलेंगे ना, यही चीज़ है यहाँ पे। अब एक घरा टूट गया तो अब क्या बचा आपके पास? 9 घरा, 9 घरे में पानी, 9 घरे में प्रतिबिंब और एक बिंब। फिर इसी प्रकार दूसरा घरा भी टूटा तो 8 घरा, 8 घरे में पानी और पानी में घरे प्रतिबिंब और एक बिंब। ऐसा करते हुए जब 10वां घरा टूट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? श्योर, परंतु उसको बिंब नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? प्रतिबिंब के सापेक्ष में बिंब शब्द प्रयोग कर रहे थे हम, परंतु कोई एक तत्व है जो प्रकाश स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब हो रहा, तो तत्व नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य जैसे लाइट दिखाई दे रहा है तो आप तो बोल सकते हैं प्रकाश। इसी प्रकार से मतलब जो व्यवहार काल में शब्द प्रयोग करने के लिए कोई उपाधि के कारण हम वहाँ पे कोई शब्द प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उपाधि रहित अवस्था में शब्द प्रयोग करना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। परंतु कोई एक तत्व है जिसको शब्दों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, ये स्थिति अवांग मनुष्य गोचर बोलते हैं। उपाधि के माध्यम से हम उसको समझाएंगे, परंतु फिर जो है वो शब्दों से बाहर है, आपको अनुभव में आ जाएगा। तो यहाँ पे पूर्व अधिकरण में जीव की नित्यता, स्वयं प्रकाशता, विभुत्व और परमार्थ अकर्तित्व का प्रतिपादन किया गया है। इस शुद्धि तो जीव, इस शुद्ध जीव ब्रह्म के साथ एक है, ये सिद्ध करने के लिए हेतु हेतु मद्भाव संबंध से ये अधिकरण आया हुआ है। अथवा हमारे पास 2 प्रकार के वाक्य मिलते हैं, एक एकत्व प्रतिपादक वाक्य और एक भेद प्रतिपादक वाक्य, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, और भेद आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, इस प्रकार भेद प्रतिपादन करने वाला वाक्य भी है। तो इसमें विरोध है कि नहीं है? इनका अविरोधक है, तो इसमें विरोध है कि नहीं है, इसको आक्षेप संगति से इसमें विरोध नहीं है, ये दिखाने के लिए ये अधिकरण आता है। पहले दिन हमारे यानी उत्तमानंद जी बताए थे कि ये समस्त अधिकरणों को एक न्यायमाला आता है, उस न्यायमाला में अधिकरण के प्रतिपाद्य विषय को संक्षेप में कहा है। विद्यारण्य मुनि जी का लिखा होगा, तो वहाँ पे जो है इसके ऊपर न्यायमाला में, क्योंकि पूरा अधिकरण को यदि हम वर्णन नहीं भी कर पाएंगे, न्यायमाला के अर्थ को यदि हम अपने सामने रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस अधिकरण में क्या कहना चाहते हैं। फिर हम सूत्र अर्थ को संक्षेप में बोल देंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि किम जी विषयोर शंकर्यम व्यवस्था वास्तुते द्वयात् अभेद भेद विषयात् शंकर्यम न निवार्यते अंश अवच्छिन्न आभास इत्तोपाधिक कल्पने ही जीव ईशयोर व्यवस्था सैत् जीवानां च परस्परम्।
शंकर जी में क्या बोलते हैं, जीव और ईश्वर यदि एक ही है तो जीव का फल ईश्वर को भोगना पड़ेगा, अथवा सभी जीव यदि एक है तो एक का फल दूसरे को भोगना पड़ेगा। इस प्रकार शंकर जो दोष आएगा आपके पक्षों में, पूर्ववादी हमारे ऊपर ये संकल्प है, किम जीव ईश्वर शंकरजम व्यवस्थावा स्तुति द्वयात, क्योंकि जीव और ईश्वर में फल में शंकर जो है अथवा व्यवस्था है, मतलब सबका अलग अलग है, क्योंकि हमें दोनों प्रकार की श्रुति प्राप्त होती है, एक भेद प्रतिपादक श्रुति एक अभेद प्रतिपादक श्रुति। अभेद भेद विषयत्व शंकरजम ना निवार्यते, क्योंकि अभेद का पहले मुख्य रूप से प्रतिपादन करना चाहता है, औपाधिक भेद है और अभेद पारमार्थिक है, तो आपके पक्ष में तो शंकर जो अवश्य होगा, आपके पक्ष में अवश्य होगा, ऐसा करके पूर्ववादी कहने पर ये चीज़ को एक बहुत अच्छे बोलते हैं। हमारे पूर्वतन आचार्यों ने स्तुति वाक्यों के आधार पर जीव और ईश्वर में तीन प्रकार से भेद माना है, कैसा, एक आभासवाद, एक अवच्छेदवाद, एक प्रतिबिंबवाद। इसलिए बोलते हैं कि अंश अवच्छिन्न आभास, उसके लिए भी मैं श्रुति बताऊंगा कि देखिए अंशों के लिए हमारे पास आते हैं ममैव अंश जीव लोके जीव भूत, आगे नहीं बोलूँगा तब सनातन बोल रहेंगे तो फिर अंश तो सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा, तो जैसे भी है अंश तो उससे प्राप्त होता है। जीव को औपाधिक भेद से अंश माना गया है एक, दूसरी यह है हमारा ससमान सन उभव लोक अनुसंचरति बृहदारण्यक उपनिषद, स्वधि स्वप्न भूता, बुद्धि के बुद्धि को अपनी चेतनता के द्वारा आभाषित करके बुद्धि को साथ मिल करके व्यवहार करता है, ये आभासवाद है। और तिष्ठा क्या है, एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, ये प्रतिबिंबवाद है, मतलब ये प्रतिबिंब के सारे ब्रह्म बिंदु उपनिषद के प्रतिबिंब। तो तीन प्रकार से हमारे वेदांत में तीन आचार्यों की, यद्यपि अलग अलग तीन आचार्य समान है परंतु उसमें थोड़ा बहुत भेद होने पर भी मुख्य चीज से विषय को समझने के लिए मदद करते हैं। आभासवाद के द्वारा एक जड़ शरीर व्यवहार कैसे करता है, क्योंकि हम जानते हैं जो थोड़ा बहुत वेदांत सुनते हुए जानते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर भी तन्मात्रा से बने हुए हैं, स्थूल शरीर भी पंचभूत से बने हुए हैं, परंतु दोनों ही जड़ है, तो इस जड़ शरीर में चेतनता कहाँ से आएगा, चेतन जैसे व्यवहार कैसे करते हैं, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई चेतन तत्व होगा। और वो चेतन तत्व क्या करते हैं कि अंतकरण स्वच्छ होने के कारण वो अंतकरण में प्रति आभाषित होकर के, मतलब अपने आभास के द्वारा, क्योंकि अंतकरण सत्वगुण से बना हुआ है, उसमें इंड्यूस्ड होकर के उसके माध्यम से इंद्रियों से शरीर, शरीर से चेतन रूप में व्यवहार करता है। इसलिए देखिए वो जो मूल तत्व है, मूल अहम आत्मा, आत्मा मतलब मैं और आत्मा मतलब चेतन, इसीलिए देखिए आप इंद्रियों को भी मैं बोलते हैं, शरीर को भी मैं बोलते हैं, क्योंकि उसके तरह इंड्यूस्ड हुआ हुआ है एक, इसलिए जो उधर वहाँ पे दिखाई देगा, जिस प्रकार मान लीजिए एक चुंबक को हम हाथ के अंदर छुपा दे और आपको जादू दिखाएंगे, देखो यहाँ पे एक कील लटकी हुई है, एक नहीं दो तीन कील लटका देंगे, सामान्य व्यक्ति समझ जाएगा, मतलब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने के कारण ये मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड हो गया। ठीक इसी प्रकार अंदर शुद्ध चेतन व्यापक रहने के कारण उसके द्वारा चैतन्यित होकर के जड़ शरीर में चेतन की तरह व्यवहार करता है। इसलिए व्यवहारिक सौकर्य के लिए हम आभासवाद को मानते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो जीव के आवागमन के बारे में कथन है, इस लोक में यह लोक परलोक में जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक खाली ग्लास होता अथवा बोतल होता, आप लोग का अनुभव है, हम इस बोतल को यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखेंगे, आपको क्या लगेगा, बोतल के अंदर खाली बोतल, आकाश भी यहाँ से उठ करके यहाँ पे गया, लगेगा कि नहीं लगेगा, परंतु क्या आकाश यहाँ से यहाँ जा सकता है, परंतु हमें प्रतीति हो रही है। ठीक इसी प्रकार इस विषय में भी कंसेप्ट कई व्यक्ति को थोड़ा गलत है, मृत्यु मतलब जीव आत्मा निकल गया, आत्मा निकल गया जीव तो छोड़ देते हैं, आत्मा निकल के जाएगा कहाँ, आत्मा को जाने की जगह ही नहीं है, तो निकला कौन, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को हम मृत्यु बोलते हैं, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को हम मृत्यु बोलते हैं, और वही सूक्ष्म शरीर भूत सूक्ष्म की तरह परिवेष्टित होकर जा करके फिर एक नया कपड़ा पहन के नाचने लगते हैं, इसी को मृत्यु और जन्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है कि जब
हम ये मृत्यु को लेकर के, जन्म मृत्यु को लेकर के जब हम विचार करते हैं, तब हम देखते हैं ये स्थूल और दोनों शरीर जड़ होने के कारण इसमें तो चेतना तक आना संभव नहीं है, परंतु चेतन रहने के कारण ये चेतन जैसा व्यवहार करते हैं। ये हो गया हमारा आभासवाद को, आभासवाद में ये सुविधा है, और आपका परिच्छेदवाद अवच्छेदवाद में जीव की गतियागति को समझा जा सकता है आसानी से। जिस प्रकार वास्तविक आत्मा में गति नहीं है, परंतु बोतल की गति के कारण आकाश में गति की प्रतीति होती है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर एक जगह से दूसरे लोक में जाने के कारण उसके अंदर आत्मा भी गया हुआ जैसा प्रतीति होती है, परंतु आत्मा कहीं नहीं गया जाता। दूसरा थर्ड है हमारा प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद क्या है? प्रतिबिंबवाद ये है कि जिस प्रकार मान लीजिए कोई अच्छा ड्राइवर है, उसके पास एक लुकिंग ग्लास होते हैं, पीछे क्या गाड़ी आ रहा है, कितना दूर आ रहा है, और ड्राइवर उसको देख करके बिंब को नहीं देख रहा है, प्रतिबिंब को देख करके बिंब को स्पष्ट समझ जाता है। प्रतिबिंबवाद क्या होता है? अंतकरण में उस प्रतिबिंब को आप जब देखेंगे तो आपको बिंब का स्पष्ट अनुभव आता है। ये तीन की उपयोगिता अपने अपने स्थान में है, थोड़ा सा आपस में भिन्नता भी है। इस तीन यहाँ पर जो बोला ना कि जो अंश अवच्छिन्न आभास इति औपाधिक कल्पने, ये तीन प्रकार से यहाँ पे उपाधि की कल्पना के द्वारा जीव में भिन्नता को मानने के कारण जीव ईश्वर व्यवस्था से जीव और ईश्वर में फल संकर जो नहीं है वो व्यवस्था हो जाएगा। अब मतलब अलग अलग जीवानम च परस्परम, इसको समझाने के लिए मांडू को कारिका करवा रहा, सुंदर एक ही कारिका में समझा दिया है, वहाँ पे हम समझ सकते हैं। उसको बोलते हैं जथे कस्मिन घटाकाशे रज धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वद जीव इह आत्मनि। मैं इसे दृष्टांत तो दिया था, अनेक घराओं में यदि किसी में आपने आग लगा दिया, किसी में पानी रख दिया, किसी में कुछ और रख दिया, परंतु एक घट फूट जाने पर सारा घर नहीं फूटते, एक घर में काली न आ जाने पर दूसरा घर में काली नहीं लगते। जथे कस्मिन घट आकाशे रजो धूमा दिव्य, धूल से भरा हुआ, धुआं से भरा है, न सर्वे सब प्रयुंजत, सारा घड़ा में धुआं नहीं आता, धूल नहीं आता, तद्वत जीव यह आत्मा नहीं। इस आत्मा में जीव भी ऐसे ही घड़ा के स्थान में आए। जीव की परिभाषा को देते हुए हमारे ये पंचदशी में कहते हैं चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहश्च यत्पुन चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संग जीव उच्यते। और इसमें भी दिग्दृश्य विवेक में ऐसे ही शब्द है, थोड़ा सा भिन्नता है। क्या बोला है? चैतन्यम जब अधिष्ठानम, पूर्ण व्यापक चेतन अधिष्ठान है, उसके अंदर लिंग शरीर है, और लिंग शरीर में उसी व्यापक चेतन की प्रतिबिंब, इन तीनों को मिला करके जीव कहा जाता है। दृष्टांत तो इसको समझाने समझने के लिए आकाश महाकाश, महाकाश में एक घड़ा रख दिया, घड़ा में पानी भर दिया, तो घरा के जहाँ पे आपने रखा वहाँ भी आकाश है, घरा के जो फॉर्म है उसके अंदर भी आकाश है, घरा के अंदर भी आकाश है। वो आकाश टुकड़ा टुकड़ा हुआ कि नहीं? आकाश टुकड़ा नहीं हुआ। अब उस घरा के अंदर पानी है, पानी में भी आकाश है, और उस पानी में आकाश का प्रतिबिंब भी हो रहा है। ये व्यापक, पूरा व्यापक आकाश, और उसमें लिंग शरीर के स्थान में जल, और उस जल में जो आकाश की प्रतिबिंब, इनको मिला करके जीव कहा जाता है। तभी जाकर के तत्वों से तब सिद्ध होगा, मतलब विचार पूर्वक घरा टूटे तो आप व्यापक आकाश में एक हो जाते हैं, और जब तक वो विचार पूर्वक हम घरा को नहीं तोड़ पाते हैं तो परिच्छिन्न घरा के रूप में व्यवहार करते हैं। वहाँ पे मांडू को करिका कर और लिखते हैं वहाँ पे नाकाशस्य घटाकाशो विकार अवयवौ यथा नैव आत्मन सदा जीवो विकार अवयवौ तथा। इस प्रकार घटाकाश अथवा मठाकाश अथवा पटाकाश, ये आकाश का विकार भी नहीं है और अवयव भी नहीं है, वो तो केवल एक प्रतीति मात्र है। ठीक इसी प्रकार जीव ब्रह्म का ना विकार है, ना अवयव है, ना उसमें कोई परिच्छिन्नता है, जीव साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। मांडू को कार्य करने बोला तो आप यहाँ पे तो इस अधिकरण में प्रतिपाद्य विषय क्या हो गया कि जीव और आपस में उनके व्यवहार संकर जो है अथवा नहीं है, और ईश्वर के साथ इसके व्यवहार संकर जो मतलब जीव का भोग ईश्वर को भोगना पड़ेगा, ये बड़ी समस्या है। यहाँ पे आप हमारी अपने शरीर के दुख निवृत्ति के लिए हमने आत्मज्ञान प्राप्त किया, और आत्मज्ञान प्राप्त करके क्या हो गया, सभी शरीर में मैं ही एक आत्मा हूँ है। एक शरीर के दुख को निवृत्ति करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त किया और सभी शरीर में प्रवेश करके आपको कितना दुख मिलेगा, ऐसा आत्मज्ञान से क्या लाभ है?
ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा, तो ऐसा मोक्ष से क्या करना है। श्रुति ये बताती है जहाँ तुमको इस शरीर में भी दुख देता है, पूर्ववाद ऐसा बोलता है, वहाँ भी दुख नहीं है, वो तो दुख तुमने उपाधि से अपने में कल्पना किया। इसीलिए इस मुक्ति में अथवा इस प्रकार के सिद्धांत में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे पहला सूत्र आता है कि अंश नाना व्यापदेशात, 5 मिनट में थोड़ा सूत्र का अर्थ बता देंगे। इसमें कोई मुख्य तत्व यही है, शंकर जो क्यों नहीं है वो मांडुक कारिका से समझ लेना। यथे कस्मिन घटाकाशे रज धूमादिर्जुते न सर्वेश प्रयोज्यंते तद्वत जीव इह आत्मनि। बस एक ही कारिका जो यहाँ के मुख्य सिद्धांतों को बता दिया। जैसे एक घर में कुछ कमी आ गया उससे सारा घर इफेक्टेड नहीं होता है, इसी प्रकार ये जो हमने आपको दृष्टांत दिया जीव आकाश, आकाश में घरा, तो इसी प्रकार शुद्ध व्यापक चेतन स्थूल शरीर हो गया घरा, और शुद्ध व्यापक चेतन में सूक्ष्म शरीर हो गया पानी के स्थान में, और उस अंतकरण में शुद्ध व्यापक चेतन का आभास अथवा प्रतिबिंब अथवा परिच्छिन्न हुआ जैसा, ये तीन यहाँ पे बोले ना, ये आभासवाद, अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद। इसके द्वारा क्या होता है, सब अलग अलग की प्रतीति होती है, और फल तो एक दूसरे के साथ संकर्ज होने का, मिलने का कोई संभावना। एक घर फूटेगा, एक घर में कुछ काला गला हो जाएगा, दूसरा घर वैसे ही रहेगा। एक घर फूट गया तो मुक्त हो गया मान लो, तो दूसरा मुक्त तो नहीं हुआ। इसलिए फल संकर्ज नहीं है, ना ईश्वर के साथ ना जीव में आपस में। इसको मन में रखते हुए हम अंशों को भी प्रतिपादन करते हैं ताकि जो है व्यवहार संकर्ज ना हो। पहला सूत्र अंश नाना व्यापदेशात अन्यथा चापि दासकृतवादित्वम अधीयते एके। बोलते हैं यहाँ पे जीव जो है मतलब इसका अंश है परमात्मा के अंश इव अंश, क्योंकि निर अवयव वस्तु में अंश होना संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जब अंश बोल रहे हैं अंश इव कल्पित उपाधि को लेकर के अंश जैसा प्रतीति होते हैं, और श्रुति जो है नाना व्यापदेशात अपने शब्दों के द्वारा श्रुति जो है ये भिन्नता को उपदेश भी करते हैं। जब नाना व्यापदेश में ज आत्मनैतृष्टन अथवा यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंग, इस प्रकार से नानात्व को भिन्नता को दिखाते हैं। केवल इतना ही नहीं, अन्यथा अपि च, ये अथर्वणीय का जो ब्रह्म सूक्त है वहाँ पे कहा कि यहाँ पे च अपि दासकृतवादित्वम अधीयते एके। वहाँ पे जो बोलते हैं कि एक शाखिन दासकृतवादी भाव ब्रह्मन समामनन्ति अथर्वणीय का ब्रह्म सूक्ते, ब्रह्म दासा ब्रह्म एव इमे कितवा। छोटे निकृष्ट जीव में भी उस तत्व को दिखा करके सभी शरीर में एक ही तत्व विद्यमान है, परंतु शरीर की भिन्नता से वहाँ पे भिन्नता की प्रतीति होती है, मुख्य तत्व तो एक ही है। केवल इतना ही नहीं, इस प्रकार से और भी जगह पे कहा तम स्त्री तम पुमान अश्युत कुमार उतवा कुमारी तम जीर्ण दंडेन पंचसी तम जातो भवसी विश्यतो मुख सर्वाणी रूपाणी विचित्र धीरा नामानि कृत्तभिवदंजत आस्ते। इस प्रकार कई स्तुति के द्वारा वहाँ पे अनेक अलग अलग प्रकार की उपाधि को भगवान अपने आप कल्पना करके, और फिर उपाधि के साथ अपना उपाधि में प्रवेश करके, प्रवेश तो वास्तविक नहीं है, अपने महिमा अपने आप देखते रहते हैं। ये अभिप्राय से यहाँ पे कहा नाना का उपदेश हुआ है, ठीक है, परंतु पारमार्थिक नहीं है। उपाधि की तीन प्रकार से भेद को कल्पना करके उपाधि भेद से नानात्व को माना गया है, परंतु उससे संकर्ज नहीं होता, क्योंकि एक उपाधि में कुछ कमी आया तो दूसरा उपाधि उसके तरह इफेक्टेड नहीं होता, इस अभिप्राय से। फिर दूसरा सूत्र आता है मंत्र वर्णा, उस मंत्र वर्ण में ये दिखाया गया है पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य चांदक श्रुति के, यहाँ पे भूत शब्द की तरह जीव कहा गया है। जीव ईश्वर की एक पाद है, मतलब अनेक जीव एक एक अंश रूप में, परंतु यहाँ पे अंश होना संभव नहीं है, केवल मात्र उपाधि से अंश की प्रतीति होती है। दूसरी बात यह है, देखिए जहाँ पे ये अंश कहा गया ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, इस शब्दों में अंश शब्द के अंशत्व को प्रतिपादन करना अभिप्राय नहीं है, क्योंकि अंश होगा तो नाशवान वस्तु होगा, परिच्छिन्न वस्तु नाशवान होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे द्वैतवादियों को मिल जाता है ये, वो कहते हैं भगवान अपने आप अंश बोलते हैं, तो परंतु आगे जो सनातन विशेषण दिया वो अंश में ये विशेषण घटने वाला नहीं है। सनातन मतलब पुरातन चिरंतन हमेशा रहने वाला, वो यदि अंश होगा वो तो नाशवान वस्तु होगा, तो वो विशेषण इसमें घटने वाला नहीं है। इसीलिए उस विशेषण को देखते हुए इससे ये भगवान भाष्यकर कहते हैं यहाँ पे अंशत्व प्रतिपादन श्रुति की अथवा भगवान के अभिप्राय नहीं है। तो कहा क्यों कहा, इसलिए कहा जैसे अग्नि में
एक चीज को जलाने की सामर्थ्य है, इसी प्रकार एक छोटा सा चिंगारियों में भी उतना ही सामर्थ्य है, कई वस्तु को जला देते हैं। इसलिए सुन्यंतुर विश्व अमृतस्व पुत्रा, है ना, सभी संतान उस अमृत के, उस अमृतत्व समान रूप से विद्यमान है। ये नहीं कि चीटी शरीर में अमृतत्व कम है अथवा ब्रह्म हिरण्यगर्भ के शरीर में जो है ब्रह्मत्व भाव बहुत है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि बल्ब की पावर जैसा कुछ ऐसा भी सोचता है, ये सभी में उस अमृतत्व समान रूप से विद्यमान है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं मंत्र वर्णात सर्वभूतानि भूत जीव अपिच स्मरयते। गीता के ये सूत्र आया है यहाँ पे, तो भगवान भाष्यकर यहाँ पे अपिच स्मरयत में भगवद गीता के ये श्लोक को दिया हुआ है कि ममे वंश जीवलोके। फिर जो है और भी दिया है अपिच च शब्द के तरह, वहाँ पे वो जो इसी त्रिषित भाव स्वामी वृत्त भाव ये जो वहाँ पे दिखाया गया है उसको मन में रखते हुए ऐसा कहा गया है। अब शंका होता है जिस प्रकार आपकी पैर की उंगली में दर्द है तो आप बोलेंगे ना कि मैं दुखी हूँ, ठीक है। तो एक अंश में यदि कोई दुख होता है तो हम अपने को दुखी मानते हैं, तो ईश्वर की अंश यदि जीव होगा तो क्या हो जाएगा, एक जीव की दुख से भगवान दुखी होंगे, ईश्वर दुखी होंगे, इसलिए सभी का दुख से ये दुख होगा। इसलिए बोलते हैं अंश की दुख से अंशी भी दुखी होगा। तो इस प्रकार ईश्वर भाव प्राप्त करने से तो मेरे को दुख का बोझ और ढोना पड़ेगा, इस मुक्ति का क्या लाभ है। तब बोलते हैं प्रकाश आदिवत नैव परः, जिस प्रकार कि देखिए एक लाइट है और इस लाइट आप यदि एक प्लेट में डिफरेंट एंगल में कहीं पे रेक्टेंगुलर, कहीं पे ट्रायंगुलर, कहीं पे सर्कुलर, कहीं पे पेंटागन, कहीं पे हेक्सागन आप बना करके लाइट के सामने रखेंगे और उसकी छाया को आप देखेंगे, आपको वो लाइट उस आकार में दिखाई देगा। इस लाइट में कुछ भिन्नता आया क्या? नहीं आया। प्रकाश आदिवत, जिसको यहाँ पे बोलते हैं प्रकाश आदिवत नैव पर, इस प्रकाश से परमात्मा पूर्ण प्रकाश है, उपाधि के साथ उसका कोई तादात्म्य नहीं है। उपाधि को अपना मतलब उस चेतनता से चैतन्यित होकर के व्यवहार तो करते हैं परंतु सर्वथा परमात्मा असंग है। बस इसी प्रकार से स्मरन्ति च, ये महाभारत शांति पर्व में ये कहा गया है, तत्र ज परमात्मा ही स नित्य निगुण निर्गुण स्मित न लिप्यते फलश्चापि पद्मपत्रे वयम्भसा। इस प्रकार से जो परमात्मा जो है वो सबके अंदर रहते हुए, इसीलिए नवम अध्याय में बोलते हैं देखो कि सबके अंदर मैं हूँ परंतु मेरे अंदर कोई नहीं है। नाच मामतानी कर्माने निबद्धंती, क्योंकि मेरे को उस कर्म बांध नहीं है क्योंकि मैं सर्वथा उदासीन हूँ। इस प्रकार से हमारे पास वो भेद दिखाने के लिए दास उपर्णा भी आता है तो, परंतु वहाँ भी ऐसा ही है। अगला श्लोक को देखिए कि भेद प्रतिपादक नहीं है, जब वो दुष्ट अपने स्वरूप को देखता है तो उससे एक हो जाता है। यदि आप ऐसा ही कहते हो सब एक है, ठीक है, हम तो मूर्खानंद है, परंतु वेद तो सबको अलग अलग दिखा करके अलग अलग कर्म का प्रतिपादन किया, इसको क्या करोगे। वेद की कर्मकांड में 80,000 मंत्र आया हुआ है, उस 80,000 मंत्र में समस्त जीव, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम्हें ये कर्म करना चाहिए, तुम्हें ये कर्म करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये किसको लेकर के बोला। ये जो अनुज्ञा परिहारो है ना देह संबंधात, ये जो ये किया गया है ना, इसीलिए कल बताए थे देखिए ये दोनों विपरीत चिंता है। मैं शुरू किया था कि मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं असंग हूँ, मैं व्यापक हूँ, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। कई व्यक्ति का भी आपको प्रश्न कर सकता है, महाराज जिंदगी भर धर्म आचरण किया फिर भी मेरा दुख कम नहीं हो रहा है, क्या करूँ, क्या बोलेंगे आप। पहला ही पट गलत हो गया, मैं मनुष्य हूँ, मैं धार्मिक हूँ। अब मैं मनुष्य अथवा धार्मिक होकर के कुछ दिन तो सुखी रहोगे, आत्यंतिक दुख निवृत्ति कहाँ से हो पाएगा। पहले दिन हमारे उत्तमानंद जी बताए थे मोक्ष मतलब क्या है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और निरतिशय आनंद की प्राप्ति। यही चीज सभी व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, सभी जीव ढूंढ रहे हैं, इसलिए वेदांत के लिए तो सभी अधिकारी है। परंतु इस चीज को जब तक हम मान्यता देंगे, ये जो अनुज्ञा परिहारो बोलते हैं ना, ये देह संबंधात है ना ज्योतिरादिवत, जिस प्रकार शरीर के साथ संबंध होने के कारण इस प्रकार विधि निषेध है। परंतु यदि शरीर से आप अपने को अलग करते हैं, निस्त्रय गुण पथि विचर तो को विधि को व निषेध है ना। कुछ प्रकाश जो है वह है, जब तक हम इस प्रकार अमेध्य स्थान में यदि आपका प्रकाश आता है वहाँ पे बैठ के कोई धर्म कार्य नहीं करते हैं, परंतु गंगा तट में प्रकाश आते वहाँ पे करते हैं। इसी प्रकार जो है किसी की उपयोगिता है, किसी की उपयोगिता नहीं है। और परंतु क्या है, हमारा व्यापक होने पर भी, जैसे आकाश व्यापक होने पर भी तो वो सबके साथ मिला हुआ नहीं होता है,
वो अपने स्वतंत्र असंग होने के कारण कितना दिन बारिश होने पर आकाश गीला होकर के नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा। अथवा कितना दिन आग जलने में, 6 महीने से सुनो ऑस्ट्रेलिया, तो आकाश जल करके राख हो जाएगा, नहीं। अथवा इसी आकाश में हो रहा है, क्योंकि आकाश असंग है। इस आकाश से भी असंग हम आप हैं पूर्ण व्यापक रूप में। तो हम ये कैसे कोई जला सकते हैं, कोई गीला कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पे बोलता है असंततिश्च अव्यतिकर, अव्यति मतलब असंकर, क्योंकि असंतते मतलब अपनी ऐसे सतह संतति होने पर भी उपाधि के साथ परिच्छिन्न दिखता है, इसलिए उपाधि की परिच्छिन्नता से वो व्यवहार वहीं पर रह जाएगा। आकाश तो असंग वस्तु है, आत्मा उससे भी असंग है, उसमें शंकर जो कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, इस प्रकार से आभास एवच, एक सूत्र आता है यहाँ पे अवच्छेद बात आभास बात को लेकर के वर्णन किया गया है। अब जो है जो हमारे परंतु आज यहीं पे रखते हैं, इससे 2-3 सूत्र आता है वो सांख्य दर्शन न्याय वैशेषिक दर्शन में शंकर जो को निवारण करने के लिए कैसा कैसा उसने प्रकृति में अदृष्ट को माना, परंतु एक ही प्रकृति है सबको अदृष्ट से कैसे नियमन करेंगे। इसने आत्मा में माना, परंतु आत्ममन के संयोग से जो है वो अदृष्ट उत्पन्न होता है, परंतु सभी व्यापक आत्मा और अनेक आत्मा माना, तो सभी आत्मा के साथ सभी मन अथवा प्रकृति के संबंध होने के कारण वहाँ पे तो हम शंकर को निवारण नहीं कर सकते, परंतु हमारे यहाँ पे पुरुष एक है और व्यवहार उपाधि में होते हैं, और उपाधि अलग अलग होने के कारण उपाधि की फल से आत्मा कभी भी सुख दुख भी मन की धर्म है। इसलिए सुख दुख को देखना सीखिए, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ ऐसा कभी मत सोचिए। सुख दुख जब दृश्य बन जाता है तब आप सुख दुख को देखते हैं, परंतु मैं सुखी दुखी हूँ ये भाव कभी मन में आने मत दीजिए। तब धीरे धीरे आपको सारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आपके सामने दृश्य होने लगेगा, और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आपके सामने दृश्य होगा तो क्या हो जाएगा, दृश्य हमारे सामने थर्ड पर्सन हो जाता है। जैसे ये सब दृश्य हमारे सामने, तो थर्ड पर्सन हम अपने को फर्स्ट पर्सन मानते हैं, परंतु एक समय ईश्वर के पास यदि आप अपने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को दृश्य बना सकते हैं तो आपका स्थूल शरीर आपके सामने थर्ड पर्सन हो जाएगा, आपको फर्स्ट पर्सन का अनुभव हो जाएगा। कारण शरीर नाश तो इस विचार करते करते अपने आप ही जाएगा, वो कारण शरीर तो है स्वामी जी। वो जो कारण जो आप बोल रहे हैं ना, तो ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को आप धीरे धीरे देखना सीखेंगे ना, तो उसी से कारण आपका घटता रहेगा। ये हम तादात्म्य करते हैं और अभी क्या करते हैं, अलग करना सीख रहे हैं। तो जब ऐसे करने रहेंगे तो आपका कारण, जिस कारण से आप तादात्म्य कर रहे थे, वो अपने आप जाएगा। उस कारण को नाश करने के लिए ही ये जो है आपको मतलब ये दृष्टा भाव में लाना, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, योग दर्शन भी ऐसा ही बोलते हैं, ये दृष्टा भाव साक्षी भाव में लाना। परंतु वेदांत तो जो है दृष्ट अथवा साक्षी शब्द समझना कि दृश्य अथवा साक्ष्य वस्तु के सापेक्ष में कहा गया है, ना तो मैं दृष्टा हूँ ना मैं साक्षी हूँ, असंग पूर्ण व्यापक सत्ता हूँ। भगवान के चरण में प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को भगवान इतना इस मन में इतना बल दो ताकि इस शरीर से कम कुछ आगे तो भर सके, यदि पूरा नहीं हो सके तो कुछ आगे तो भर सके। इतना शब्दों के द्वारा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, ओम नमो नारायण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।